हरे भरे पौधों से मैंने अपने घर को ऐसे सजाया है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। हरियाली से हमारे अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है और इन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, अभी आप गर्मी देख सकते हैं कि पीक पर है, लेकिन फिर भी मेरे घर में जो पौधे हैं हरे भरे बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमें गार्डनिंग का एक्सपीरियंस हो जाता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। जब हमें किसी चीज़ों को अनुभव हो जाता है तो हम उसमें फिर बेस्ट करते हैं और वह चीज़ शाइन आती है। जब भी हम किसी चीज़ की केयर करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं अपना गार्डन में टाइम बिताती हूँ। और मेरी फ्रंट बालकनी है, यहाँ पर प्रॉपर धूप आती है दोपहर बाद, तो मैंने इसमें वही प्लांट्स रखे हुए हैं जो आराम से चल सके। और साथ ही मैंने आगे ग्रीन नेट भी लगा दी है, तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती हैं, तो इस तरह से प्लांट्स भी सही रहती हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप गर्मी सर्दी हर मौसम में अपने प्लांट्स को सही रख सकें। तो यह धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है, यह नहीं कि आप एक दिन में सोचें कि हम बिल्कुल उस चीज़ में माहिर हो जाएं। कोई भी आप काम है उसमें आप हम एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, वह धीरे धीरे ही हमारे अंदर बिल्डअप होती है, हमें समझ में आती है कि चीज़ें कैसे करनी होती हैं। और जब हमें समझ में आ जाता है, चाहे वह गार्डनिंग है या कोई भी काम है, तो फिर उसमें रिजल्ट 100% मिलता है। तो देखिए, अब मेरे पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये सामने पिलर था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसमें प्लांट्स हैंगिंग प्लांट्स कैसे टांगूँ, तो मैंने एक रस्सी लगा दी कस के, क्योंकि इसमें कील कोई भी नहीं टंग रहा था, नहीं ठुक रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें रस्सी लगा के और अपने हैंगिंग बास्केट को लगा दिया, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में प्लांट दूर से दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लुक आता है हमारे गार्डन में, और इस तरह से देखने में अच्छे भी लगते हैं। और कई प्लांट ऐसे होते हैं जो बेसिकली हैंगिंग बास्केट में ही अच्छे लगते हैं, अगर आप उन्हें वैसे लगाते हैं तो उतना अच्छा लुक नहीं आता है उनका। तो इस तरह से हमें देखना पड़ता है कि हम उसको कैसे लगाएं, मतलब थोड़ी क्रिएटिविटी अगर आप अपने गार्डनिंग में लगा देंगे तो फिर तो क्या कहने, आपकी गार्डनिंग को चार चांद लग जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने जैसे प्लास्टिक की बोटल्स मिलती हैं, छोटी छोटी बोटल हैं, बेशक उन्हें फेंकें नहीं और अपने गार्डन में यूज़ करें। गार्डन में आप उसमें आप अपनी कटिंग्स लगा सकती हैं, कोई भी आप छोटे छोटे से प्लांट्स हैं वो लगा सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि वेस्ट भी नहीं होगा और आपका वेस्ट का बहुत बड़ा बेस्ट यूज़ हो जाएगा। तो ये देखिए, वंडरिंग जू तो कटिंग से बहुत आसानी से चलती है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, मैंने अपने अधिकांश वीडियो बना रखे हैं जिसमें बता रखा है कि प्रॉपर किस तरह की मिट्टी किस तरह के प्लांट के लिए चाहिए। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप अभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि किस तरह के प्लांट को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस जगह पर रखें। मेरी जो बैक वाली बालकनी है, बालकनी तो क्या, वो पूरा एक होल ही है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट छाया रहती है, केवल मॉर्निंग की एक दो घंटे की धूप आती है। तो मैं चूज़ करके रखती हूँ कि किस तरह के प्लांट मुझे पीछे रखने हैं, किस तरह के प्लांट आगे रखने हैं। अगर आपको ये समझ आ गया कि आप किस तरह के, मतलब धूप के अनुसार रखेंगे प्लांट और जगह के अनुसार प्लांट रखेंगे, तो गार्डनिंग को एक नया रूप और रंग मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े पॉट में ही प्लांट्स लगाएं, छोटे छोटे से आप प्लास्टिक बॉटल्स को कट करके भी प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें भी बड़े अच्छे लगते हैं, डेकोरेटिव लगते हैं। यानी जगह के अनुसार आप चूज़ करिए कि किस तरह के पॉट आपके गार्डन में फिट बैठेंगे। तो ये देखिए, मेरी फ्रंट बालकनी का आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, फिर भी मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं। यानी कहने का मतलब है, मुझे कहीं भी जगह मिलती है तो मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं देती हूँ, मैं उसमें प्लांट्स लगा देती हूँ। क्योंकि मुझे काम करते करते जब मैं अपने आगे पीछे इस तरह से प्लांट्स को देखती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून लगता है, काम करने में मन भी लगता है और एक पॉजिटिविटी आती है अपने अंदर जब इस हरियाली को देखते हैं, आँखों को अच्छा लगता है, सुकून देता है। तो आप भी इस तरह से अपने जो भी शौक है उसको हमें पूरा करना चाहिए। तो देखिए, मैंने ग्रीन नेट लगा दिया तो इससे डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती हैं तो प्लांट्स ठीक रहते हैं। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी में भी मेरे हरे भरे प्लांट्स बने हुए हैं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। बस मैं इन पर प्रॉपर ध्यान रखती हूँ कि शावर करती रहती हूँ सुबह शाम, और शाम को जब बिल्कुल ठंडक हो जाए, यानी बिल्कुल 6 बजे के बाद आप थोड़ा सा शावर कर दें अपने प्लांट्स पर, और मॉर्निंग में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पानी देंगे तो अच्छे हरे भरे बने रहेंगे। अभी आप थोड़ा खाद वगैरह ना दें अपने प्लांट्स में तो बेस्ट रहेगा। अब जब बारिश इसके बाद गर्मी के बाद बारिश आएंगी, उसके बाद फिर खाद देंगे तो आपके प्लांट्स अच्छे रहेंगे। और अभी जब थोड़ी बारिश हो जाएगी तब तो वैसे ही भी इनमें नया ग्रोथ आएगी, बस थोड़ा सा जब एक्सेस हीट होती है और ज़्यादा ठंड होती है तभी प्लांट्स की केयर ज़्यादा मांगते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक।